अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम समरा बतूल एंड इट्स बीएस मैथ सेकंड सेमेस्टर क्लास एंड द सब्जेक्ट इज कैलकुलस 2 एंड टुडेज टॉपिक इज कॉनिक सेक्शन। जी, आपका लास्ट टॉपिक है आपके कैलकुलस 2 का कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शन से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, सेकेंड ईयर में आपने कॉनिक सेक्शन का चैप्टर क्या होगा, कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, कुछ उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन अब आपको ये करना ही पड़ेगा अगर आपने छोड़ भी दिया है तो। कॉनिक सेक्शन में कौन से कर्व्स आते हैं? कॉनिक सेक्शन और सिंपली कॉनिक्स आर द कर्व्स ऑब्टेन्ड बाय कटिंग अ राइट सर्कुलर कोन बाय अ प्लेन। राइट, एक राइट सर्कुलर कोन को आप कट करें प्लेन से, लाइक कोन ऐसे होती है, ठीक है, ये दो हैं, एक ऊपर कोन एक नीचे, राइट सर्कुलर कोन इसको कहते हैं। अब प्लेन का क्या मतलब है? मतलब है एक पेपर। अगर एक पेपर से आप इस राइट सर्कुलर कोन को कट करते हो तो आपके पास आप किस तरह से कट कर सकते हो? आप बिल्कुल सीधा उसको कट कर सकते हो, मतलब हॉरिजॉन्टली उसको कट कर दो, आप उसको थोड़ा सा टिल्टेड करके कट कर सकते हो, या आप उसको वर्टिकली भी कट कर सकते हो। तीन तरीके हैं कट करने के, तो इन तीन तरीक़ों से हमें तीन तरह के कर्व्स मिलेंगे। अगर आप बिल्कुल इसको हॉरिजॉन्टली इसको कट करते हो तो आपके पास एक शेप आएगी, उसे कहते हैं सर्कल। सर्कल या इलिप्स दोनों आ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर कोन। सर्कल आएगा आपके पास अगर आप इसको बिल्कुल सीधा इस तरह से कट करते हैं इस कोन को। अगर आप इसको जी एक प्लेन, अब मैं कैसे आपको शो करूँ, वैसे तो एक्सप्लेन किया जा सकता है, इस तरह से एक पेज है और आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टली इसको कट करेंगे तो इसके ऊपर एक शेप आएगी, वो क्या होगी? सर्कल। अगर बिल्कुल सीधा इसको आप हॉरिजॉन्टली सीधा इसको कट करें, अगर थोड़ा सा टिल्ट करके कट करेंगे तो इस तरह की शेप आएगी, उसे कहते हैं एलिप्स। अगर आप वर्टिकली इसको एक हिस्से को इसके कट करेंगे तो आपके पास इस तरह की शेप आएगी, इसे कहते हैं पैराबोला। और अगर ये दो शेप्स आएंगी तो इसे कहते हैं हाइपरबोला। अब इन्हीं कर्व्स को हम लोगों ने डिस्कस करना है, इनकी इक्वेशंस कैसे होती हैं, इन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनका ग्राफ क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इम्पॉर्टेंट, वो सारी हमने वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो जिस कर्व की हमने बात की वो है सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की, वो है एक्स माइनस ए का स्क्वायर x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें सर्कल क्या होता है? सर्कल एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स का सेट, ये दरमियान वाला पॉइंट इसका सेंटर कहलाता है, और इस सेंटर से इक्विडिस्टेंट मतलब इससे अगर हम कह देते हैं 2 के डिस्टेंस पे, 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो आपके पास पॉइंट्स आते हैं उन सब पॉइंट्स का सेट, तो वो इस तरह का एक कर्व बनेगा, उसे सर्कल कहते हैं, ठीक है। सर्कल सिर्फ ये लाइन ही होती है बाहर वाली, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसे कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। इस इक्वेशन में सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा? ए बी। और वो जो फिक्स्ड डिस्टेंस है यहाँ से इस सेंटर से इसके किसी भी पॉइंट तक, सर्कल के किसी भी पॉइंट तक, वो होगा हमेशा, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है तो वो सेम ही होगा आर, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस। ये क्या है? आपका सेंटर ऑफ द सर्कल, और रेडियस किसके इक्वल होता है? आर के।
अगर आपको सर्कल का सेंटर और रेडियस पता है तो आप उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं, और अगर आपको इक्वेशन गिवन है इस फॉर्म में तो आप सर्कल का सेंटर और रेडियस बता सकते हैं। अब आ जाते हैं जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्या है इक्वेशन ऑफ द सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये है जनरल फॉर्म। ये जो इक्वेशन है ना सेकेंड डिग्री की इक्वेशन, ये आपकी सारे जो कॉनिक कर्व्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। मतलब इसी तरह की इक्वेशन होगी सेकेंड डिग्री की, एक्स और वाई की सेकेंड डिग्री की इक्वेशन जो आपके कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगी। हाँ, इसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे तब वो डिफरेंट ज़्यादा, इसमें जी एच की वैल्यू, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशेंट्स, एक्स और वाई के कोफिशेंट्स, सी के जो कांस्टेंट वैल्यू है वो चेंज होगी, जिससे वो डिफरेंट कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगी। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल है। अगर ये सर्कल है तो फिर इसका सेंटर कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसका सेंटर किसके इक्वल होगा? सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, एंड सी इज इक्वल टू माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है कि रेडियस आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है, और सेंटर आपका क्या है? माइनस जी और माइनस एफ। अब ये माइनस जी और माइनस एफ क्या है? जो एक्स और वाई के कोफिशेंट का हाफ, ठीक है। अब आपको जो इक्वेशन सेकंड डिग्री की, जो एक्स वाई की इक्वेशन आएगी, ज़्यादातर तो उसमें जी और एफ तो नहीं होंगे, कोई पॉइंट्स होंगे, कोई नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे उसमें। तो आपने अगर सेंटर उसका फाइंड करना है सर्कल का, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? इन फॉर्मूलाज की हेल्प से, सेंटर भी और रेडियस भी। क्लियर हो गई? ये आपका बता दिया सर्कल होता है, कैसे बनता है, कॉनिक कर्व है एक, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, इसकी जनरल इक्वेशन क्या है। मतलब एक्चुअली हम लोगों का सिलेबस जो है ना कॉनिक सेक्शन, उससे थोड़ा आगे पोलर कोऑर्डिनेट्स और एरिया और आर्क लेंथ पे भी चला जाता है, तो सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है। आप बजाय इसके कि अगर आपने अगर वो चैप्टर किया वेल एंड गुड, आप उसको रिवाइज़ कर लें जो आपने सेकेंड ईयर में चैप्टर किया होगा। अगर नहीं किया हुआ तो फिर ये जो चीज़ें मैं करवा रही हूँ इनको, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। सर्कल की बात हो गई, अब आ जाते हैं कॉनिक सेक्शन के जो बाकी कर्व्स हैं उनकी तरफ। और वो कौन से कर्व्स हैं? पैराबोला है, एलिप्स है और हाइपरबोला है। अच्छा, एक कॉनिक सेक्शन, ये इन कर्व्स की बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि एक लाइन है, फिक्स्ड लाइन, लेट एल बी अ फिक्स्ड लाइन इन अ प्लेन एंड एफ बी अ फिक्स्ड पॉइंट नॉट ऑन द लाइन एल, ठीक है। एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, उसमें कोई आपने फिक्स्ड लाइन ले ली और एक फिक्स्ड पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। यहाँ की बजाय आप इसको सॉरी, ये इसके ऊपर है एफ एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए, और ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हमने F का नाम दे दिया, और ये जो है आपकी फिक्स लाइन है इसको L का नाम दे दिया। अब इस फिक्स लाइन पे कोई पॉइंट यहाँ पे ले लिया आपने M, एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। तो कर्व जो है, कोई कर्व यहाँ पर कोई प्रेजेंट होगा आपका, कोई इलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा या पैराबोला होगा, उस पर एक आपने पॉइंट लेना है P। जो रेशो है ना पी एफ ओवर पी एम इन लेंथ्स की रेशो, उसको कहते हैं ई, उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स वाई प्लेन है, उस पर एक फिक्स्ड लाइन है एल और एक फिक्स्ड पॉइंट है एफ, दो चीज़ें आपने फिक्स कर ली। अब कर्व के किसी भी पॉइंट से आपने एफ तक डिस्टेंस मेजर करना है और एम तक डिस्टेंस मेजर करना है, और उसकी जो रेशो है उसको हम नाम देते हैं ई, का ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको कहा क्या जाता है? ई सेंट्रिसिटी,
अब कॉनिक सेक्शन के जो तीनों कर्व्स हैं, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स, इन तीनों कर्व्स में आपकी ये जो रेशो है ये सेम रहेगी, ठीक है। ये जब आप कर्व का कोई पॉइंट लेंगे, पी एफ ओवर पी एम करेंगे, तो आपकी जो आपका आंसर आएगा वो आएगा, उसे हम ई कहेंगे। अब ये कर्व्स जो हैं, ई की वैल्यू क्या आएगी? ई की वैल्यू आ सकती है या तो इज इक्वल टू ज़ीरो, वन आ सकती है, रेशो है ना, ज़ीरो तो नहीं हो सकती। ई की वैल्यू क्या आ सकती है? वन आ सकती है। ई की वैल्यू वन से और वन और ज़ीरो के दरमियान आ सकती है, क्योंकि लेंथ है, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। या ई की वैल्यू वन से बड़ी आ सकती है, ऐसा ही है। तीन हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर तो ई की वैल्यू जो है आपकी ई इज इक्वल टू वन है, तो आपका कर्व क्या होगा? पैराबोला। अगर आपका ई जो है वो लेस देन वन है, और यहाँ पे बेशक लिख दें कि लेस देन ज़ीरो से वन तक, ई अगर आपका इज इक्वल टू वन है तो आपका कर्व क्या है? पैराबोला। ई आपका अगर लेस देन वन है, और क्योंकि ये लेंथ्स हैं तो वो ज़ीरो से वन के दरमियान होगा, क्योंकि लेंथ्स नेगेटिव नहीं होती, तो ये आपका हो जाएगा एलिप्स। और अगर ई आपका ग्रेटर देन वन है तो आपका कर्व क्या होगा? हाइपरबोला। ये आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और ये जो फिक्स लाइन जिसकी मैंने अभी बात की थी, फिक्स लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। हर कर्व की अपनी एक डायरेक्ट्रिक्स होती है, फिक्स लाइन होती है, और जो फिक्स पॉइंट है उसे हम फोकस कहते हैं। हर कर्व में फोकस भी होगा। क्लियर होगी बात? चलें जी, अब हम पहला जो अपना कर्व है पैराबोला, उसको डिस्कस करते हैं। मैं सिर्फ ब्रीफ डिस्कशन दूंगी इस पर इसकी आपको, ताकि आपको जब हम नेक्स्ट टॉपिक्स अपने करें तो आपको नो हाउ हो कि पैराबोला किस तरह का कर्व होता है, इसकी इक्वेशन कैसी होती है, और इसका फोकस कहाँ होता है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होती है, इस तरह की चीज़ें, राइट। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है पैराबोला की, वो ऐसे होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, और ये एक पैराबोला है, सिमेट्रिक कर्व होता है, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा कर्व है वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे होगा, ओरिजिन में से पास करता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, और इसका इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो यहाँ होगी, ठीक है, और इसका फोकस कहाँ होगा? यहाँ पर। तो F के पॉइंट्स क्या होंगे? अगर F के पॉइंट्स हैं A ज़ीरो, जाहिर बात है Y ज़ीरो है, A X की वैल्यू A है, तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स जहाँ से गुजर रही है X एक्सिस को कट कर, या उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? माइनस A ज़ीरो, ठीक है। ये चीज़ आपने बस याद रखनी है, एक पैराबोला इस तरह का कर्व होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये है, ठीक है, और इसके अलावा माइनस ए ज़ीरो। अच्छा, पैराबोला के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ओरिजिन में से ही गुजरे, उसका ये जो ये यहाँ पर ओरिजिन जहाँ से जहाँ पे ये इसके दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों पार्ट्स जहाँ से सिमेट्री है, इस कोने को कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स इसका कोना ही है, और ये वर्टेक्स इसका नाम है, ठीक है, इसे वर्टेक्स कहते हैं। इसका वर्टेक्स जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ओरिजिन पे हो, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी जो इक्वेशन है वो उस तरह से उतनी चेंज हो जाती है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हम पता लगा लेते हैं कि इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा, इसका फोकस कहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे कि अब ये देखो, इस इक्वेशन में वाई स्क्वायर है, यानी हम इसको लिख सकते हैं ना, वाई माइनस ज़ीरो का स्क्वायर, ठीक है, और फोर ए एक्स माइनस ज़ीरो लिखा जा सकता है ना इस तरह। तो इसका मतलब जो एक्स के साथ जो नंबर है माइनस ज़ीरो, ये ज़ीरो ज़ीरो इसका ओरिजिन है, ये जो फोर ए में से ए है ये इसका जो है फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट इसमें नहीं होगा। तो इस तरह से हम जो है कंपैरिजन करके इस इक्वेशन से पैराबोला को एक्सप्लेन कर देते हैं कि पैराबोला कहाँ पर लाई कर रहा है, उसका फोकस क्या, उसका वर्टेक्स क्या है, और ये लाइक इस तरह। अब एक टेबल आपको दिखाती हूँ ताकि आपको पैराबोला के बारे में पता चल जाए।
जी इक्वेशन चार तरह के पैराबोलास हो सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, और क्या होता है ये जो है आपका पैराबोला, ये इस तरह से होगा, ये वाला पैराबोला आपका इस तरह से होगा, ये ऊपर साइड पे होगा और ये नीचे वाली साइड पे होगा, ठीक है। इस तरह से आपके पैराबोलास होंगे। और अगर ये इक्वेशन है इसका फोकस क्या होगा, a0 मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको पता चल जाएगा इक्वेशन की हेल्प से ही कि उसका फोकस कहाँ पर है, उसका वर्टेक्स 0, 0 है, डायरेक्ट्रिक्स वो फिक्स लाइन x इज़ इक्वल टू -a, ज़्यादातर वो पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन है और -a 0 से गुजर रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज़ इक्वल टू -a। एक्सिस क्या है, एक्सिस वो जो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्सिस वो लाइन होती है जिसके अबाउट जो है आपका कर्व सिमेट्रिक होता है, मतलब वो उस आपके कर्व को जो है वो बिल्कुल उसके सेंटर में से कट करती है, उसे एक्सिस कहते हैं। वाई इज़ इक्वल टू 0 है यहाँ पर, एक्स इज़ इक्वल टू 0 इनमें है। लेटेस्ट रेक्टम कौन सी लाइन है, लेटेस्ट रेक्टम लाइन है एक्स इज़ इक्वल टू ए, ये आपके जो है फोकस में से गुजरती हुई लाइन होती है, फोकस में से गुजरती है और कर्व के दो पॉइंट्स को भी ज्वाइन करती है और फोकस में से भी गुजरती है, तो इसको लेटेस्ट रेक्टम एक लाइन है और x इज़ इक्वल टू ए इसकी इक्वेशन है यहाँ पर, ये आपने टेबल आपको याद होना चाहिए, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद एलिप्स और हाइपरबोला को बस सिर्फ इक्वेशंस आपको बताती हूँ कि कैसी होती हैं उसकी इक्वेशंस। जी एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। और ग्राफ इसका कैसा होता है, ये इस तरह का होता है, यहाँ पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, दोनों दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं इसकी, ठीक है। ये जो दरमियान वाला है जो ओरिजिन है यहाँ पर, ये इसका सेंटर ऑफ द एलिप्स होता है और इसमें जी ये डायरेक्ट्रिक्स हैं, सेंटर पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, फोसाइज के जो हैं वो यहाँ पर ये लाइक ये हैं, ठीक है, और इन्हें वर्टिसेस कहा जाता है, ये जो पॉइंट हैं जो कट कर रहे हैं ये वाला और ये वाला, ठीक है, और इन्हें कोवर्टिसेस कहा जाता है और ये जो पॉइंट है इसे सेंटर ऑफ द एलिप्स कहा जाता है। क्लियर हो गया, ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक टेबल दिखा देती हूँ कि किस तरह की एलिप्स की इक्वेशन होती है, और एलिप्स की दो तरह के एलिप्स होते हैं, एक तो ये वाला एलिप्स है और एक जो है वो आपका ऐसे एलिप्स हो सकता है, ठीक है। इसकी इक्वेशन कैसी होगी, इसकी इक्वेशन कैसी होगी, ये सारा एक टेबल से आपको समझ आ जाएगा। जी ये एलिप्स है इस तरह का, ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, और इसके अलावा सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये सी क्या है, सी वो रेशो जो आपने ई आपने कहा था पी एफ ओवर पी एम, मैंने आपको बताया कि रेशो होती है एलिप्स के लिए, वो रेशो होती है लेस देन 1, और सी ए और ई में क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे पेंसिल नहीं आएंगे, जी ये बल्कि यहाँ पे गिवन है, पेंसिल की जरूरत नहीं, हाँ जी, ईसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी ओवर ए इज़ लेस देन 1 फॉर एलिप्स, ठीक है। और ये सी कैसे फाइंड करना है, ए और बी तो गिवन है, सी कैसे फाइंड करना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फोसाइज के क्या हैं, प्लस माइनस सी और 0, और डायरेक्ट्रिसेस क्या हैं, दो हैं डायरेक्ट्रिसेस, और मैंने आपको बताया भी था कि वो कहाँ होती हैं, ये एलिप्स के थोड़ा बाहर होती हैं और दोनों साइड पे होती हैं, ठीक है। और इनकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर मेजर एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 मेजर एक्सिस, मतलब जो x एक्सिस है यहाँ पर, और दूसरे में मेजर एक्सिस क्या होगा, y एक्सिस हो जाएगा, तो मेजर एक्सिस क्योंकि x एक्सिस है तो उसे उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0
ठीक है, वर्टिसेस क्या हैं, प्लस माइनस ए ज़ीरो, को वर्टिसेस क्या हैं, ज़ीरो प्लस माइनस बी, सेंटर इसका ज़ीरो ज़ीरो है, ई सेंट्रिसिटी ई इज़ इक्वल टू सी ओवर ए इज़ लेस देन वन, और ग्राफ इसका इस तरह का है। अगेन दूसरा दो ही तरह के एलिप्स हैं, ये एलिप है, एलिप्स है, इससे इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अच्छा, इसमें जो चेंज किया गया वो ये है कि ए जो है, ताकि आपके फार्मूलाज आपको चेंज ना करने पड़े, हमेशा जो मेजर एक्सिस वाला है वो ए, यानी वर्टेक्स जो है आपका वो ज़ीरो प्लस माइनस ए रहेगा या प्लस माइनस ए ज़ीरो होगा। तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है उसको हमेशा आपने ए का नाम दे देना है। अगर y एक्सिस में आपका जो है वो मेजर एक्सिस है तो आपने y के नीचे ए स्क्वायर लिख देना है, अगर x एक्सिस आपका मेजर एक्सिस है तो s x के नीचे ए स्क्वायर लिख देना है, ठीक है, ताकि आपका ये c वाला फार्मूला है ये सेम ही रहे। c हमेशा आपने कैसे कैलकुलेट करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोसाई आपके कैसे आएंगे, ज़ीरो प्लस माइनस c, y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस c ओवर ई स्क्वायर, ये आपकी डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन है। x इज इक्वल टू ज़ीरो आपका एक्सिस है, y एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो प्लस माइनस a क्या है, क्योंकि अब ये पॉइंट्स आपके फोसाई कहाँ पे लाई करेंगे, आपके फोसाई लाई करेंगे यहाँ पर, सॉरी ये इधर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, तो उसकी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ज़ीरो प्लस माइनस ए, और आपके जो सॉरी वर्टिसेस आपके कहाँ पे लाए करेंगे, यहाँ पर, ये जो है ये वाली फोसाई भी यहाँ पे ही लाए करेंगे, सही बताया था आपको, लेकिन ये वर्टिसेस हैं और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ज़ीरो प्लस माइनस ए, को वर्टिसेस जो छोटे वाले हैं वो यहाँ पर इस साइड पे ये है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, प्लस माइनस बी ज़ीरो, सेंटर आपका क्या है, दरमियान में ज़ीरो ज़ीरो, और e इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। तो एलिप्स की इक्वेशन कैसी होती है, इक्वेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका एलिप्स है, और इक्वेशन किस तरह की होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू वन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जिसमें दरमियान में माइनस का साइन आता है वो हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अगर आपका हाइपरबोला कैसा हो, इसमें फोसाई यहाँ पर आगे करके होंगे, यहाँ और यहाँ पर, ठीक है, ये इस जगह पे, और डायरेक्ट्रिक्स इसकी कहाँ पर होती हैं, इसमें डायरेक्ट्रिक्स फ़र्क है, एलिप्स में भी बाहर थी और उसमें भी, यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स होती हैं इस साइड पे, ठीक है, दरमियान में जो दो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। ये आपका पैराबोला आ गया, ये जो दरमियान में लाइंस हैं ये वाली तो नहीं है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा जो दरमियान में लाइन है ये इसकी डायरेक्ट्रिसेस होती हैं, और फोसाई इसके यहाँ पर करके होते हैं इधर, ये देखें ये मैंने क्रॉस लगा दिया, इधर करके पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और ईसेंट्रिसिटी इज़ ग्रेटर देन वन इन हाइपरबोला। इक्वेशन आपको बता दी है कैसी होती है। इसके अलावा हाइपरबोला में एक और नई चीज़ है, वो है एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट कैसी लाइन होती है, अगर ये आपका हाइपरबोला है तो सही ड्रॉ नहीं हो रही, ये देखिए एसिम्प्टोट एक ऐसी लाइन है जो कर्व को टच करेगी एट इन्फिनिटी जाकर,
वो साथ साथ चलती है, कभी टच नहीं करती, लेकिन टेंड्स टू टच द कर्व, तो उसे हम कहते हैं एसिम्प्टोट। ठीक है, एसिम्प्टोट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कर्व को टेंड करती है टच करने के लिए, लेकिन कभी टच करती नहीं, आपको नज़र नहीं आएगी कभी भी टच करती हुई, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि हाँ थोड़ा आगे जाके टच करेगी, थोड़ा आगे जाके टच करेगी। ठीक है, उसको एसिम्प्टोट कहते हैं। तो हाइपरबोला में एक नई चीज़ ये भी होती है, एसिम्प्टोट्स। ठीक है, अब आ जाते कर्व की इक्वेशंस के बारे में बात हो गई, अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ जाते हैं, द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या है जी? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f, एक सेकेंड, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये सेकेंड डिग्री की जो जनरल इक्वेशन है एक्स और वाई में, ये वो गिवन है। अब इस इक्वेशन में कुछ कंडीशंस हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है। अगर तो इस इक्वेशन में ए बी और सी, ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखना है एच एफ जी, एच जी एफ, लिखा हुआ ही गायब हो रहा, चलिए मैं दोबारा लिख लेती हूँ। सेकेंड डिग्री की इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर इस इक्वेशन में आपसे पूछा जाए कि ये इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसमें आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो इक्वेशन है सेकंड डिग्री की इक्वेशन, ये टू स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि ये रिप्रेजेंट कर रही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को? उसके लिए कंडीशन है कि ये इस तरह से आपने लिखना है, ये ए बी और सी, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा? एच जी एफ, और इसी तरह यहाँ पर भी एच जी एफ। अगर ये डिटर्मिनेंट आपका इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, देन क्या है कि ये इक्वेशन जो है आपकी सेकेंड डिग्री की जो इक्वेशन है एक्स वाई में, वो रिप्रेजेंट कर रही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। नेक्स्ट चीज़ क्या है? एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन ज़ीरो, देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट एन एलिप्स। ये एक एलिप्स की इक्वेशन होगी, ठीक है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो ये एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी, हाइपरबोला की इक्वेशन होगी, और अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा तो फिर ये आपकी जो है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, और ये आपको चेक करना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेंगे। अगर तो आपको कहा जाए कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करिए, तो जस्ट आपने जो पहले वाला डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करके देखना है, तो इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो नहीं आ रहा। और अगर ये पूछा जाए कि कौन से कॉनिक कर्व को रिप्रेजेंट करिए, तो फिर आपने जो है वो ये एच स्क्वायर माइनस ए बी जस्ट फाइंड आउट करना है, और उसके बाद आपने ये बता देना है कि वो इस कर्व को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। जी, अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आ रहे हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स टू द कर्व, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स टू द कर्व।
टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो कर्व के सिर्फ एक पॉइंट को टच करते हुए गुजर जाती है, ठीक है? कर्व के सिर्फ एक पॉइंट को टच करते हुए गुजरती है और वो गुजर जाती है, हालांकि वो लाइन ज़्यादा लाइन है तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, पर उसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर दें वो कर्व के किसी दूसरे पॉइंट को टच नहीं करेगी, उसे टेंजेंट कहते हैं। और उस टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन है उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लाइन। अब ये फाइंड कैसे करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट। अच्छा, उससे पहले आपको बता दूं कि कैसे इसको फाइंड करते हैं। अगर आपने किसी पॉइंट पे आपने जो है कोई कर्व आपको गिवन है, वाई इज इक्वल टू ऐसी है, इसी तरह कर्व आपको गिवन होता है, या वाई और एक्स कोई कर्व आपको गिवन है, तो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है एट एक्स वन और वाई वन पॉइंट पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, फिर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वन और वाई वन पे, यानी एक्स की जगह एक्स वन पुट करें, वाई वन की जगह वाई वन पुट करें। ये क्या आ जाएगी? आपकी स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या आ जाएगी? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो उस पॉइंट स्लोप फार्मूले से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे? वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस। जी क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट। कर्व क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, और पॉइंट क्या है? ए माइनस टू ए। ये कर्व कैसा है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स एक पैराबोला है, और अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स कौन सा कर्व है, उसका नाम क्या है, उसमें वो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, इसका फोकस, तो ये सारी चीज़ें अगर आपने वो टेबल पढ़ा है तो आप इजीली बता देंगे, ठीक है? ये आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें, इसको अच्छी तरह से वो टेबल्स जो हैं उनको याद कीजिएगा। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है? टेंजेंट और नॉर्मल टेंजेंट लाइन की स्लोप, पॉइंट स्लोप। अगर हमें किसी लाइन का पे एक पॉइंट और उसकी स्लोप पता है तो हम उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। उसको कैसे फाइंड करना है? इक्वेशन को ठीक है, तो अब टेंजेंट है तो जाहिर है ये पॉइंट तो हमें गिवन होगा, क्योंकि उस बताया जाएगा कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है उसकी आप फाइंड करें इक्वेशन। स्लोप कैसे फाइंड करनी है? स्लोप हमने फाइंड करनी है, ये एम किसके इक्वल होगी? एम इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स वन वाई वन। पहले आपने वो जो कर्व गिवन होगा उसका उसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर एक्स और वाई की जगह एक्स वन और वाई वन की वैल्यू पुट करें, और फिर ये आप स्लोप जो है स्लोप निकाल लें उसकी, ठीक है? जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फोर ए, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू ए ओवर वाई। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, अब पॉइंट जो गिवन था ए और माइनस टू ए, एक्स और वाई की जगह उसकी वैल्यूज पुट की, और आपका आंसर क्या आ गया? माइनस वन। ये क्या है? आपकी स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। इसको भी छोड़ें, ये इधर आ जाए। हेंस द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज, ये पॉइंट है, स्लोप गिवन है, आपने उसमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की और ये अपनी इक्वेशन निकाल ली। नाउ स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ऐसे ही है ना, पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। नॉर्मल की डेफिनेशन ही ये है कि किसी टेंजेंट, अगर टेंजेंट किसी पॉइंट पे टच कर रहा है कर्व को, तो उस पॉइंट पे से गुजरती है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन, तो उसकी स्लोप, जाहिर है दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होंगी? दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप की ऐसे होती है, एम वन एम टू, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस वन आंसर आता है। इस तरह अगर आपको एक की पता है तो दूसरे की आप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेकर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टेंजेंट की स्लोप थी माइनस वन, तो नॉर्मल की स्लोप क्या आएगी? वन। क्लियर हो गया? अरे
इजहार है जी। तो स्लोप पता है और ज़्यादातर नॉर्मल भी इसी पॉइंट में से गुजर रहा है, तो ये नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करना है, टेबल्स को अच्छे से समझ के याद भी करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये टेबल्स, और ये सर्कल के बारे में जितना आपका प्रायर नॉलेज है उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो लेक्चर से जो से रिलेटेड, आप सिलेबस से रिलेटेड, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।